अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या। और सबसे पहले दोस्तों आज आपके 8 अगस्त 2019 की हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आपके डीएलएड को नहीं मिल रहे हैं अभ्यर्थी, बीएड के कारण हाशिए पर डीएलएड, प्रशिक्षण कोर्स कर प्राथमिक से माध्यमिक तक के होंगे दावेदार। देखिए दोस्तों, अब बीटीसी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। आज के दिन दोस्तों कोई बीटीसी नहीं करना चाहता। आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती से ये रिलेट क्यों कर रहा है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग दोस्तों बीएड को बाहर करने की मांग कर रहे थे, काफी बच्चों ने किया, बीटीसी वालों ने, कि बीएड को बाहर होना चाहिए। सबको पता है आज के दिन दोस्तों ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बीटीसी अब करना चाहता, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आज के दिन सभी लोग दोस्तों समय के साथ बदलते हैं। आज के दिन दोस्तों बीएड के हर कॉलेजेस की सीट लगभग लगभग 100% फुल चल रही है। शायद कोई कॉलेज इत्तेफाक से उनके सीटें ना खाली रह गई हूँ। अब दोस्तों बीटीसी में क्या हो रहा है, दोस्तों देखिए अभी बीटीसी की पहले आपको खबर दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे आपकी कट ऑफ को लेकर क्या होगा। अभी तक दोस्तों बीटीसी में 2.5 लाख सीटों में से सिर्फ 81,000 का प्रवेश, 81,000 सीटें भरी, मतलब इतनी ज्यादा सीटें खाली होने का दोस्तों रीजन आप समझ रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में या तो डीएलएड अगले साल तक बंद कर दिया जाएगा या तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा सीटें भर जाएंगी तो अभी फेज टू होगा लेकिन उसमें ज्यादा बच्चे बचे नहीं है। 2.5 लाख तक दोस्तों बच्चों को काउंसलिंग हो गई है, तो अब 3.5 लाख से बच्चे दोस्तों कम थे, 3,30,000 समथिंग है, 3,33,000 करके, तो अब उतने में से ज्यादा दोस्तों 10 से 15 हजार बच्चे और एडमिशन ले लेंगे, या हो सकता है 20 से 30 हजार। लेकिन दोस्तों आप लोग सोचिए कि एक समय ऐसा होता था आपके टाइम जब बीटीसी करने के लिए लोग तरसते थे कि बीटीसी में एडमिशन हो जाए तो ये होगा। बीच में दोस्तों बात हुई कि बीएड को प्राथमिक शिक्षा से बाहर करना चाहिए, मतलब प्राथमिक भर्तियां जो आती हैं उसमें बीएड को मौका ना दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए उल्टा हो रहा है। अब आने वाले टाइम में बीटीसी, देखिए दोस्तों धीरे धीरे इसका क्रेज कम हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि अगले 2 साल में बीटीसी को पूर्णतया बंद कर देना चाहिए। दोस्तों रीजन इसका यही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जब हम बीएड करके बीटीसी वाली नौकरी ले सकते हैं तो हम बीटीसी क्यों करें, है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आपके यहाँ भी कोई हो तो उनको बीएड करने के लिए आप प्रोत्साहित करें। बीटीसी इस साल दोस्तों अगर आपके पास मौका ना हो तो बीटीसी करा लीजिए, लेकिन आने वाले टाइम में अब बीटीसी करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीएड करेंगे तो आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज होगी नौकरी पाने की। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जाने क्या होगी फाइनल कट ऑफ। देखिए दोस्तों फाइनल कट ऑफ को लेकर काफी बच्चों ने हमें सवाल पूछा, सर क्या हो सकती है, एक बार आप अपना ओपिनियन दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या होगी, बिल्कुल सटीक विश्लेषण। जी हाँ दोस्तों, देखिए और एक सवाल आ रहा था कि क्या विज्ञप्ति से ही बनेगी फाइनल कट ऑफ। दोस्तों अगर विज्ञप्ति को देखा जाए जहां पर कट ऑफ को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है, अगर उसके अनुसार चला जाए तो हमारी फाइनल कट ऑफ शून्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? जीरो। अब बात आती है यार फाइनल कट ऑफ क्या होगी। देखिए फाइनल कट ऑफ को लेकर दोस्तों 3 कट ऑफ आपके सामने शो कर रहे हैं, पहली होगी 0, दूसरी 40 और 45, ठीक है, और तीसरी कट ऑफ होगी दोस्तों आपकी 60 और 65। तो दोस्तों इसमें आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे, कोई भी सुनवाई होती है अगर आपने पता है कि आपने चोरी की है तो उसमें दफा ये लगेगी, उसके बाद आपको पता है कितने साल की सजा होगी, ये सब आपको पता है। लेकिन ये दोस्तों आपने कुछ चीज देखा होगा, आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है 0 कट ऑफ पर, ठीक है, सबको पता है। लखनऊ खंडपीठ का सिंगल बेंच का फैसला 40-45 पर आता है, ठीक है, मतलब एक ही केस है, एक ही मामला है, एक ही मामले का दोस्तों दो अलग अलग डिसीजन कैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ समझ में आ रही होगी कि जज साहब जो चाहेंगे, मतलब अपने विवेक के अनुसार जो चाहेंगे, जज साहब को जो उस समय सही लगेगा, उस समय की जो परिस्थिति या उस समय का जो सिचुएशन होगा उसके आधार पर वो फाइनल कट ऑफ आपको दे सकते हैं। तो पूरा मतलब जज साहब पर डिपेंड करता है कि उनके हिसाब से फाइनल कट ऑफ क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों जज साहब को उस समय लगेगा कि 60-65 उचित है तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ हो जाएगी। अगर दोस्तों सेम मामला, अगर दोनों जगह दोस्तों दोनों कोर्ट से अगर सेम फैसला आता 0 और या 40-45, या दोनों जगह से 0 आ जाता या दोनों जगह से 40-45, तो ये तो हम फाइनल समझ सकते थे कि आपका डबल बेंच हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर हमारा फैसला या तो 60-65 आएगा या तो ये आएगा। लेकिन अब तो हमारा पूरा क्लियर है कि फैसला कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 40-45 भी, 60-65 भी। तो मतलब दोस्तों अब ये जज साहब पर डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या बनेगी। काफी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या लिखा है। देखिए विज्ञप्ति भी हम आपके सामने शो कर दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, विज्ञप्ति भी आपकी स्क्रीन पर है, इसी विज्ञप्ति के आधार पर पूरी शिक्षक भर्ती हो रही है। आप एक चीज याद रखिएगा, जो इसमें लिखा है कि 69,000 पदों पर भर्ती होगी तो 69,000 पदों पर ही होगी, ऐसा नहीं कि अभी कह देंगे 50,000 पर कर ले बाकी का 19,000 हम बाद में कर लेंगे, ऐसा ना तो संभव है ना तो किया जा सकता है। मतलब जो विज्ञप्ति में लिखी होती बात
उसी आधार पर आपको नौकरी दी जाती है। तो इसमें आपके लिए दिशा निर्देश दिए गए थे कि अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन के अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर देय नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा लिखा था वैसा हुआ, नहीं नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जो ये सब विज्ञप्ति आती है इसमें जो बातें लिखी रहती है वो बिल्कुल सटीक होती है उसी के आधार पर। तो हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारा फैसला आया था सिंगल बेंच का, उन्होंने विज्ञप्ति को इसका मानक बना लिया और विज्ञप्ति के आधार पर उसमें लिखा था कि भाई हमारे विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार को पासिंग मार्क को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, पासिंग मार्क दोस्तों यहाँ पर आप पूरी विज्ञप्ति आपके स्क्रीन पर शो रही है, यहाँ पर देख रहे होंगे पूरा विज्ञप्ति। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर भी पासिंग मार्क को लेकर कुछ भी नहीं है। तो उस समय के दोस्तों जो हमारे सचिव थे अनिल भूषण चतुर्वेदी, देखिए इनके सिग्नेचर भी है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी 5/12/2018 की दोस्तों ये साइन की गई डेट है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि विज्ञप्ति में कुछ भी लिखा हो फाइनल दोस्तों वही होता है जो विज्ञप्ति में लिखा होता है। अब दोस्तों पूरा मामला जैसा आपके पास आ गया कि अब जो वो चाहते हैं वही आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। अब दोस्तों और भी अपडेट देख लेते हैं, पहले आज की क्या क्या है कि डीएलएड बीटीसी परीक्षा कार्यक्रम का कार्यक्रम जारी हो गया, 14 अगस्त से हो जाएंगी परीक्षाएं शुरू। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में उनका पेपर अब शुरू होने वाला है। और आपका दोस्तों बीटीसी प्रशिक्षण, ठीक है, चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो चुका है। जी हाँ, जो बच्चे फोर्थ सेम में थे 2015 बैच में दोस्तों, जिन बच्चों की बैक आ गई हो या ये सब, उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और दोस्तों 19 अगस्त को भी हमारी अगली सुनवाई। जी हाँ, काफी बच्चे सोच रहे थे यार कि अगली डेट क्यों मिली, क्या रीजन था दोस्तों। उस दिन जैसा आप नहीं आए थे, आपके अगर आ गए होते तो ऐसा कुछ होता ही ना, तो 2 दिन जैसा आप अवेलेबल नहीं थे तो दोस्तों उसी के हिसाब से आपकी डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब समय लगेगा थोड़ा। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना है आपको कि जो भी होगा फाइनल कट ऑफ या फाइनल पासिंग मार्क वो आपके जज साहब पर डिपेंड्स करेगा, जो कहेंगे वो जज साहब वही आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। और एक अच्छी खबर आई कि शिक्षिका को मिलेगा इनोवेटिव शिक्षक का पुरस्कार। मंगलवार को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ चयन, जिले के शिक्षकों ने गोंडा का सूबे से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक डंका बचाया। क्या थी दोस्तों पूरी खबर इनको देखते हैं। मंगलवार को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ चयन, मोहरी की विभा चौधरी को मिलेगा इनोवेटिव शिक्षक का पुरस्कार। दोस्तों क्या था भाई, देखते हैं इनोवेटिव में क्या हुआ, पूरी खबर पढ़ते हैं दोस्तों। जिले के शिक्षकों ने गोंडा का सूबा से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक डंका बजाया है। अब जिले को एक और सम्मान मिलने जा रहा है। रुपए ईडीह के प्राथमिक विद्यालय मोहरी की प्रधानाध्यापक विभा चौधरी को उनके बेहतर प्रयासों और प्रयोगों के लिए टीचर्स इनोवेटिव अवार्ड से नवाजा जाएगा। 17 अगस्त को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार देश भर में सभी प्रदेशों में शिक्षा की दिशा में सकारात्मक नवाचार करने वाले शिक्षकों को दिया जाता है। लगभग 3 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें जिले का मान बढ़ाते हुए विभा चौधरी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। बीएसए मणिराम सिंह ने कहा कि विभा की सफलता ने हमारा गौरव बढ़ा दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, और इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है इसको भी देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक विभा चौधरी के प्रयासों ने यूं तो कई महत्वपूर्ण बदलाव स्कूल में किए हैं, लेकिन स्मार्ट क्लास का शुभारंभ और बाल स्टेशनरी बैंक की स्थापना प्रमुख है। इस बैंक से बच्चों को शून्य ब्याज पर स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाती है। अभी हाल में ही यहाँ महिलाओं ने सेनेटरी पैड की व्यवस्था भी कराई गई है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, और आप लोग कितनी खबरें आ रही हैं। देखिए बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का आपका परिणाम जारी कर दिया गया है, ये भी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो जिन बच्चों की बैक थी तो अब वो अपना रिजल्ट देख पाएंगे, जो आपका बीटीसी 2013 हो, ठीक है, 2014 बीटीसी परीक्षण हो, जो भी आपका दोस्तों रहा हो 2015, सभी बच्चों का रिजल्ट अब जारी हो गया है। तो आज से दोस्तों आप लोग के उसके लिए हम कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। बस उस लिंक पर आपको टच करना होगा, क्लिक करेंगे और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो इससे आप देख पाएंगे। तो और दोस्तों देखिए, बीएड के कारण हाथिए पर डीएलएड। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी खबर कि भाई अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या डीएलएड को अब अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। पहले चरण में जिस तरह से प्रवेश हुआ है उससे अंदेशा है कि इस बार आधे से अधिक सीटें खाली रह जाएंगी। यह नौबत आने की वजह बीएड है। जब से एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में सशर्त बीएड को मान्य किया, उसके बाद डीएलएड के प्रति आकर्षण घट रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही बात है कि यार कोई फैसला लिया जाता है तो सोच समझ के लिया जाना चाहिए। देखिए किसी एक फैसले की वजह से आज इतना ज्यादा बीएड मतलब डीएलएड का नुकसान हो रहा है, आधे से ज्यादा सीट खाली होने का मतलब आप समझ रहे हैं।
हर स्कूलों को कितना बड़ा नुकसान होगा। एक बच्चे पर 41,000 फीस मिलती है प्राइवेट स्कूलों को। मान लेते हैं अगर वहां पर 100 सीटें थी, अगर 50 सीटें खाली रह रही हैं, तो आप लोग अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान होगा स्कूल को। लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? तो हर स्कूल को लगभग इतना इतना नुकसान हो सकता है। तो सोचिए कि अब भाई बीएड की वजह से ऐसा हो रहा है कि देखिए पहले बच्चे बीएड भी करते थे। देखिए अब एक काम इनको करना चाहिए, या तो बीटीसी को बंद कर देना चाहिए, सिर्फ बीएड की सीटें डबल कर देनी चाहिए, तो भाई तभी लोग बीएड करेंगे। देखिए क्या होगा ना, आज बच्चे बीटीसी कर तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक डाउट रहता है हमेशा कि हम बीटी इससे अच्छा हम बीएड कर लिए होते। आज के दिन दोस्तों हर जो बच्चा प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिया उससे जाकर आप पूछेंगे ना, 100 में से 70 बच्चे ये कहेंगे अरे यार हम तो बीएड कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन वही होता है ना, अब उनको बीएड में एडमिशन मिल नहीं पाया या समय से एंट्रेंस एग्जाम वो दे नहीं पाए, काफी दोस्त उसमें रीजन से कारण थे, अन्यथा वो बच्चे बीएड भी कर लेते हैं। तो यही सब दोस्तों दिक्कतें आ रही हैं बच्चों के साथ कि अब भाई उनके साथ अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो इसका फायदा उठाइए, प्रैक्टिकल में अधिक से अधिक नंबर लीजिए, बीएड से आप आगे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बीएड भी करना अच्छा है, बीटीसी भी अच्छा है, लेकिन बस यही है कि बच्चे भाई परेशान इसीलिए हो रहे हैं कि बीएड के पास मौका ज्यादा रहेगा, टीजीटी की वैकेंसी आएंगी, नौकरी ले जाएंगे और बीटीसी के बच्चे उसको देखते रहेंगे, और उसके बाद सहायक अध्यापक आएगा उसमें बीएड भी आ जाएगा। तो मतलब 100% आज के दिन दोस्तों बीएड करना उचित रहेगा। अब आने वाले टाइम में दोस्तों अगर आप सोचें कि नियम चेंज होगा, तो फिलहाल ऐसा हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। हो जाएगा तो कॉलेज को फिर से एक तरह से नुकसान होगा बीएड के बच्चों को, कि सभी बच्चों ने बीएड में एडमिशन इसीलिए लिया कि वो प्राथमिक स्तर के टीचर बन पाएंगे। तो चलिए दोस्तों और भी अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तो आपको ये बात अब बिल्कुल समझ में आ गई होगी जो हमने आज डिस्कस किया था कि 40-45 या 60-65 को लेकर क्या होगी फाइनल कट ऑफ। तो आपके मन में आई थिंक आज से सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि फाइनल कट ऑफ दोस्तों वही होगी जो जैसा आप चाहेंगे, जो उस समय उनको उचित लगेगा वही आपकी फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। क्योंकि आपने देखा दो अलग अलग जगह से दो अलग अलग डिसीजन आता है दोस्तों, एक जगह 0, एक जगह 40-45। और दोस्तों कि आपको और बता दें, अगर आपने कभी चोरी की होगी, चाहे आप वो इलाहाबाद में पकड़े जाए, चाहे वो दिल्ली में पकड़े जाए, या कहीं पर भी पकड़े जाएंगे, तो चोरी की सजा वही होगी जो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिलेगी, चाहे वो आपको लखनऊ हाई कोर्ट से मिले या आपको सुप्रीम कोर्ट से मिले। तो चोरी की सजा में दोस्तों कभी बदलाव नहीं आएगा। तो वैसे दोस्तों अगर इसका सही से नियम अगर बना होता तो हर जगह से सेम कट ऑफ या सेम पासिंग मार्क आपको देखने को मिलता। ठीक है, तो अब आई थिंक आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड बेस्ट ऑफ।